एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। हिसाब मांगने वाले बताए पाँच साल में क्या किया प्रियंका गांधी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को महोबा में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन पाँच सालों में क्या किया यह नहीं बता पा रहे हैं। तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह केवल पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। हिंदुस्तान के सवाल के जवाब पर प्रियंका गांधी ने दोहराया कि वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर वह पार्टी का फैसले को मानेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि वह राहुल गांधी का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से कांग्रेस का पुराना रिश्ता है। जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, बुलंदों के दर्द को समझकर उसे दूर किया। एक बार फिर उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनते ही बुंदेलखंड के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करके हरियाली लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह हर जनसभा में अपनी सरकार के काम गिनाते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ के किसान बदहाल है। उत्तर भारत में हो रही राज ठाकरे की रैली की मांग। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पिछले कई समय से मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं। बात बात पर वह मोदी और भाजपा के खिलाफ सवाल खड़ा करते हैं। उनके रैली में क्षेत्र मुद्दे के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी जुड़े रहते हैं। राज ठाकरे का यह आक्रामक तेवर कुछ लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है। बीते दिन पुणे में की गई रैली में राज ठाकरे ने खुद कहा कि मेरी रैली की मांग अब उत्तर भारत में भी हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए कई लोग मुझे हिंदी भाषा में रैली करने की सलाह भी दे रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे 2014 के चुनाव में मोदी के साथ थे, लेकिन अब वह मोदी के विरोध बन गए हैं। राज ठाकरे का आरोप है कि मोदी जातिवाद पर राजनीति करते हैं। वह प्रधानमंत्री बनने के पहले अलग थे, अब बदल गए हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।